लाइट चल जाए ना उसका गम नहीं है, लेकिन पतंग चल गई ना उसका गम है यार, भी नहीं है आदि इसको लंबी चलेगा ले देना ले। अब जाएगी हमारी पतंग। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज उड़ाएंगे हम लाइट वाली पतंग, जो कि हम लाइट और पतंग दोनों एक साथ करके उनको अटैच करके उड़ाने वाले हैं। अभी दिन है इस वजह से नहीं उड़ाएंगे, रात के अंदर लाइट अच्छी लगती है इसलिए रात को उड़ाएंगे। इसलिए रात होने का इंतजार करते हैं, तब तक मैं आपको लाइट और पतंग दिखाता हूँ कौन सी पतंग। पतंग तो वैसे हमारे पास बहुत सारी बड़ी, हम कोई सी पतंग ले सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं लाइट लगा के उड़ानी है तो लाइट का वजन झेलने के लिए कोई बड़ी पतंग होनी चाहिए। तो इसके लिए हम बड़ी पतंग सेलेक्ट करने वाले। पतंगें तो भर भर के पड़ी है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि दुकान के लिए हम पतंगें खरीद के लाए थे। आप सभी लोगों को पता है कि मेरे पास एक छोटी दुकान है जहाँ पर बच्चों के छोटे मोटे आइटम मिलते हैं और छोटी मोटी पतंगे भी अपन लोग बेच लेते हैं। और यहाँ पे तो पतंगे तो यहाँ पे देखो हमारी पहले की भी बहुत सारी रखी हुई है पुरानी, ये देखो इनके अंदर तंग लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखो ये पैराशूट उड़ाने वाले, ये भी हम उड़ाएंगे कभी अगले वीडियो। और यहाँ पर कुछ डिजाइन वाली पतंगे भी रखी हुई है, ये देखो छोटी साइज की पतंगे, लेकिन इसके अंदर ये डिजाइन देखो सही से दिखाता हूँ अभी। ये देखो कितना अच्छा डिजाइन है इसके अंदर, पतंग के अंदर तीन पूछ लगी हुई है इसके अंदर। यहाँ पर है छोटे साइज में प्रिंट वाली पतंग, ये भी काफी सस्ती पतंग है, यानी 2-3 रुपए की सेल करते हैं हम एक पतंग। यहाँ पर मैंने एक बड़ी पतंग ये वाली ले ली है, और ये पतंग दिखने में काफी छोटी लग रही है वीडियो में, लेकिन काफी ज्यादा बड़ी है। और हम इसके अंदर लाइट लगाएंगे, इस तरह की चमकीली वाली पतंग है, इसके अंदर पूछ नहीं है, इसके अंदर पूछ लगाएंगे, पूरी पतंग रेडी करेंगे। और यहाँ पे लाइट भी दिखाता हूँ, देखो ये रही लाइट, ये लाइट है ना बहुत हल्की लाइट है और पतंग इसको आराम से उठा सकती है। इसको मैं जला के भी दिखाता हूँ एक बार जलाना इसको, ये देखो इसके अंदर जला के दिखाएंगे कैसी लाइट है। ये निकालते हैं और ये स्विच ऑन करते हैं, देखो ये लाइट जलती है। फिर ये ना आपको भी सही नहीं लग रही, रात को और भी ज्यादा अच्छी लगेगी ये। चलो एक बार गेट बंद करते हैं और अंधेरे में दिखाते हैं आपको। पहले मैं गेट लगा देता हूँ, उसके बाद लाइट की रोशनी दिखाते हैं। ये देखो रोशनी, अब देखो कितनी तेज चमक रही है, और ये रात को उड़ती हुई चमकेगी। अब हम देखेंगे रात को भाई कितना अच्छा लगेगा हमें लाइट। लाइट की लेंथ भी देखते हैं हम कितनी बड़ी है, इसके साइज देखो पहले, बिल्कुल हल्की लाइट है और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब है, देखो बड़ी सारी लाइट है। देखो इसकी साइज यहाँ नीचे से लेके ठेठ यहाँ ऊपर तक आ गए, और अभी भी देखो बिल्कुल, अभी इसको पूरा सीधा करेंगे ना तब तो और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये लाइट को आप देख सकते हो पूरा वहां से चद्दर से लेके ठेठ नीचे तक अड़ चुकी है, देखो ये इतनी बड़ी लाइट है। और ये पूरी पतंग के अंदर फैला के लगा देंगे तब कैसी लगेगी, तो लोग रात को देखेंगे, अपन पहले सेटअप करते हैं इसका। पतंग के उल्टी तरफ से हम इन लाइट को लगाने वाले, क्योंकि पीछे की तरफ से दिखेगी ना पतंग को लाइट चमकती हुई दिख जाएगी हमारे को, इसलिए इसको तो हम यहाँ पे सेट करेंगे। और यहाँ के सेल निकाल दिया हमने, बाद में लगाएंगे सेल, और इसको ऐसे घुमा के यहाँ तक ऐसे लाएंगे पतंग। दोस्तों ये अभी तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम किस तरीके से लगाए कहीं वजन नहीं हो जाए, इस वजह से कहीं पे पतंग उड़ नहीं पाई, ये भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने क्या है थोड़ा सा अलग सेटअप करेंगे, मतलब है ना उसका वजन वाला हिस्सा है ना वो नीचे की तरफ रख रहे हैं अपन, जो क्या है इससे है ना वो वजन नीचे रहेगा तो पतंग आसानी से उड़ जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसको। यहाँ पर हमारी टेप आ चुकी है, अब टेप से चिपकाएंगे इसको यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि वजन है ना इस वजह से इस वजन को यहीं पे नीचे की तरफ रखेंगे। तो दोस्तों हमने देखो ये पतंग सामने से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही है, और इसकी पूंछ लगाना बाकी बस, और तंग हालने वाला है। और इसके बाद ये देखो इधर ये लाइट दिख रही नहीं है अभी मेरे को, पता बिल्कुल भी वजन नहीं आ रहा। यहाँ पे इसका मेन पॉइंट आ गया, और यहाँ से बढ़ती 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 इधर से मुड़ते हैं, और इसके बाद इस तरीके से हमने पतंग वाला शेप इसको दे दिया। और बीच में इतनी बड़ी लाइट नहीं थी, बीच में लगा नहीं पाए, तो ऐसे आप इसको रात में उड़ा के देखेंगे किस तरह का लुक बनता है। ये देखो हमारे इधर दोस्त लोग पतंग उड़ा रहे हैं सब, ये लो क्योंकि पतंग के दिन आ गए तो पतंग ही उड़ाएंगे अब। दोस्तों फाइनली रात हो चुकी है, और चरखी में से सदा निकाल के इसके तंग बांधते हैं, अब उड़ाते हैं इस लाइट वाली पतंग को। फिर लाइट चालू करेंगे, इसके अंदर सेल वगैरह अपन ने कुछ निकाले, फिर डालेंगे सेल। पहले इसके लिए यहाँ पे ना हमने पूछ नहीं लगाई इसकी, तो वो भी लगाएंगे, फिर तैयार कर लेते फिर उड़ाएंगे इसको। यहाँ पे हमने तंग डालने के लिए पतंग रख दी, और सामने वहाँ पे हमारे दाल बाटी बन रही है ना आज, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे बाटी सेकेंगे इसके अंदर, इसलिए यहाँ पे आग जली हुई है। तो दोस्तों अभी हम हवा का डायरेक्शन चेक कर रहे हैं किस तरफ से हवा है, क्योंकि इधर से हवा होगी ना अगर पीछे से तो हम देख नहीं पाएंगे पतंग को, क्योंकि पीछे घर है, इसलिए हम ये छोटी पतंग लंबी दे रहे हैं पहले। ये देखो हमारा दोस्त यहाँ पे लंबी दे रहा है इस पतंग को, इसके बाद हमें हवा का डायरेक्शन पता चल जाएगा भाई किस तरफ हवा चल रही है। दोस्तों हमने पतंग लंबी दे दी है यहाँ पे, और हमें हवा का डायरेक्शन पता लग गया भाई, हवा इधर की है मतलब सामने की है एक तरीके से, और हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि सामने आसानी से उड़ा सकते हैं, पूरा खुला एरिया है। क्या क्यों चरखी तो लगा दो, लेकिन दोस्तों हमारी लाइट वाली पतंग उड़ेगी ना, देखो ये रखी हुई पूरी तैयार होने के बाद यहाँ पे रखी है, और ये उड़ेगी ना तब ये पूरी अच्छे से दिखाई देगी, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी लाइटें जलने वाली है। तो पहले इसको उतारते हैं, फिर नई लाइट वाली पतंग उड़ाते हैं। तो देखो हमारा पतंग हमने उतार लिया, उड़ाएंगे। हाँ ये दिख नहीं रहा, ये दिख गया ना। हाँ ये रहा, बिल्कुल नीचे आ चुका है इसलिए दिख रहा है। पहले देखो ये लो, या पतंग बड़ी पतंग उड़ाते, पतंग को बांध रहे अब इसको लंबी देने वाले, क्योंकि इससे पहले हमने दो पतंग उड़ा ली, मतलब आधी चरखी खाली करके इतनी देर से हमने उड़ा लिया। अब फटाफट से लंबी देते इसको, और लाइट चालू करते हैं इसकी, इस चालू करते हैं मतलब ये लाइट चालू, अब इसको लंबी देते हैं। नहीं है आज इसको लंबी देगा, ले देना ले फाड़ और देना, पतंग ये सही नहीं लग रहा है। पतंग ये लंबी नहीं दे रहा हूँ, मेरा दोस्त दे रहा है, तो देखते फटाफट से लंबी दे रहा है, फिर अपन सब उड़ाएंगे पतंग,
क्योंकि अभी इसको मुसीबत होने वाली है पतंग को लंबी देने में। बड़ी पतंग है इसलिए दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो दोस्तों हमारी देखो पतंग लंबी हो चुकी है थोड़ी सी और लाइट देखो किस तरीके से दिख रही है पतंग। और गाइस ये घूम जा रही है पतंग क्योंकि वजन हो चुका है पतंग, तो इसको थोड़ी और लंबी जाते देखो कहां तक लंबी जाती है। तो दोस्तों हमारी देखो पतंग अभी उतार रहे हैं, अभी इसको लाइट को दूसरी पतंग में शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये पतंग पागल हो गई हमारी। पतंग पागल? हाँ। ये फिर तुम पागल। अरे मैं बताऊं क्या बात हो गई। हाँ। मैंने इसने पतंग को आग लगा दी। तो दोस्तों इसके अंदर लाइट शिफ्ट कर रहे हैं फटाफट से और इसको यहाँ पे लगाओ क्योंकि ये हल्की पतंग रहेगी ना तो आसानी से उड़ पाएगी। तो हमारा प्लान तो यही है आसानी से उड़ जाएगी, लेकिन अब देखते हैं क्योंकि ये भारी पतंग हो गई थी, बड़ी पतंग थी और लाइट का वेट हो गया इस वजह से उड़ नहीं पाई। तो अब देखते हैं इसको फटाफट। तो दोस्तों लाइट चालू करते हैं, अब देते हैं इस पतंग को लंबे फटाफट से। प्लान तो यही है भाई, ये उड़ जाएगी आसानी से। गाइस ये तो उड़ना ही मुश्किल है मेरे को लग रहा है क्योंकि इसके पीछे भजन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ ऊपर से लंबा दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पतंग को, क्या है उड़ नहीं पा रही नीचे से, तो थोड़ा ऊपर के ऊपर आके छत के भी ऊपर आके हम लंबी दे रहे हैं पतंग को। देख आसानी छोड़ गए थे, छोड़ तो गाइस इसका मिशन फेल हो चुका, मिशन दोबारा फेल हो चुका है। अभी जा रहा फुग्गा लेने के लिए। भाई साहब फुग्गा लेने के लिए कहाँ जाओगे? फुग्गा लेने पाकिस्तान जाना पड़ेगा। भाई साहब कुछ तो करो जल्दी, फुग्गे छोटा भाई लेने गया क्या फुग्गा? अच्छा छोटा भाई फुग्गा लेने गया। बस पहले तो ये वाली पतंग इस्तेमाल की लेकिन ये फेल हो गई, उसके बाद ये वाली पतंग इस्तेमाल की और ये भी फेल हो गई, इसलिए इसमें से लाइट हटा रहे। अब तैयार हो रहा है ये बड़ा वाला पतंग, इस पर लगाएंगे लाइट, फिर देखते हैं अब क्या होता है। भाई लगता तो यही एक सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों पता लगेगा बाद में क्योंकि इधर ये लाइट तो हटाएंगे यहाँ से और उस पर लगाएंगे, फिर देखते क्या होता है। लाइट तो चालू है दोस्तों, लाइट में वैसे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन लगा के चेक करते हैं पहले इसको। दोस्तों अब हमारा लाइट लगाने का प्लान चेंज कर रहे हैं, पतंग पे लगाने वाले थे लाइट, अब वो लगाएंगे डोर के ऊपर क्योंकि हम तो पहले पतंग सादा ही हुई लंबी दे रहे हैं। ये देख लो भाई तेरी आंखें कैसे चमक रही है, ये ऐसे लंबी दे रहे पतंग देखो, वो रही पतंग, अब इसके डोर पे लगा देंगे, फिर इसको थोड़ा लंबी देने देते हैं पतंग को। तो दोस्तों ये देखो डोर के हमने लाइट लगा दी, अब लाइट का स्विच ऑन करता हूँ, ये देखो लाइट अब जाएगी हमारी पतंग। ये इतना आसान ये लग रहा है लाइट के लगा के पतंग उड़ाना है ना, तो भाई ये इतना आसान है नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लाइट क्या आपको लगेगी बहुत ज्यादा हल्की, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा वेट रहता है उसके अंदर, इसलिए पतंग उड़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब देखो पतंग देखो किधर है, पतंग तो बहुत ज्यादा ऊपर है लेकिन लाइट देखो काफी झूल चुकी है, वो देखो, तो इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। भाई देखो पतंग ओ ये गई। लाइट नहीं छोड़ दे यार, लाइट चल जाना उसका गम नहीं है लेकिन पतंग चल गई ना उसका गम है यार। तो भाई यहाँ पे पहले पतंग बड़ी पतंग लंबी दे रहे हैं, उसके बाद लाइट लगाएंगे, फिर होगा सारा काम आ गया। तो दोस्तों हमने पतंग इतनी लंबी दे दी कि चरखी खाली होने पे आ गई और वहाँ पे देखो छोटा सा जो बल्ब दिख रहा है ना, जूम करके दिखाओ जूम। अरे जूम कैसे होता है? यार ये देखो, अरे यार कैसे जूम हो गया, ये देखो छोटा सा लट्टू सा दिख रहा है ना, ये इससे भी आगे हमारी पतंग है, तो बीच में डोर है ना उस पर हमने लाइट लगाई थी, ये फोकस भी सही नहीं हो रहा, इतनी दूर है हमारी पतंग। गाइस ये रहा मंजा, देखो पतंग कौन सी जो चमक रही है ना, लाइट वाली पतंग है दोस्तों, बहुत ज्यादा मस्त पतंग है। ये देखो दोस्तों हमारी लाइट दूर जाके काफी ज्यादा दूर गई थी, अब आ चुकी है और वो आगे चमक रहा है ना, वो तो तारा चमक रहा है और ये लाइट है और पतंग दिख रही नहीं होगी आपको, हल्की हल्की समझ में आ रही है। ये देखो घूम रही है ना ये लाइट है, उतार लो उतार लो। तो भाई ये उतारते अपनी क्या आ गई लाइट, आ गई देखो ये थी लाइट, ये थी देखो लाइट, ये लाइट ओ भाई खिंच गई लाइट पूरी, और ये आ गई अपनी पतंग। ये देखिए दोस्तों हमारी पतंग उड़ चुकी है मतलब क्या उतर चुकी है, अब हम वीडियो को एंड करेंगे थोड़ी देर में। अरे उतार उड़ा के तो उतार लिया, फिर भी क्या उड़ चुकी है। ये देखो हमने बड़ा पतंग उड़ाया था इसलिए ये मतलब वो लाइट का वेट झेल पाया, इससे कंपेयर कर लो आप। तो दोस्तों इसको लाइट के साथ उड़ाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी छोटे से बड़े पतंग तक, लेकिन ये पतंग हमारे को कामयाब कर पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना क्योंकि काफी मेहनत लग गई और रात के 11 बज चुके हैं लगभग, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट हमें क्या करना है पतंगों के साथ ही और कुछ भी तो कमेंट में बताना, जब तक के लिए गुड बाय।